अब कुछ समय पहले दुनिया ये उम्मीद कर रही थी कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ नरम रुख अख्तियार करेंगे, लेकिन पुतिन के एक वायरल वीडियो से दुनिया की ये उम्मीद भी टूटती नजर आई। इस वीडियो में पुतिन हाथों में शैंपेन का ग्लास लिए अपनी सेना के जवानों से बात करते नजर आए, जबकि इस दौरान पुतिन कैमरे पर ये कहते भी सुनाई दिए कि यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बिल्कुल सही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया चाहे लाख आलोचना करे, रूस अपने मिशन से पीछे नहीं हटेगा। पुतिन ने कहा कि जब यूक्रेन हमले करता है तो कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब रूस जवाबी हमले करता है तो पूरी दुनिया चीखने चिल्लाने लगती है। यही नहीं, क्रेमलिन में हुए एक सैन्य कार्यक्रम के दौरान पुतिन ने अपने जवानों की हौसला अफजाई भी की और उन्हें नए साल की बधाई दी, जबकि इससे पहले रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे अपने सैनिकों का सम्मान किया और उन्हें मेडल से नवाजा। दुनिया में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में गुस्सा और तनाव बढ़ रहा है, एक ग्लोबल सर्वे में ये बात सामने आई है। दरअसल गैलप वर्ल्ड पोल ने 2012 से 2021 तक 150 देशों के 12 लाख लोगों पर ये सर्वे किया। सर्वे के मुताबिक 10 साल पहले महिला पुरुष में गुस्सा और तनाव का स्तर समान था, लेकिन 10 साल से महिलाओं में तनाव ज्यादा बढ़ गया है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में महिलाओं में गुस्से का स्तर पुरुषों से 6% ज्यादा है। वहीं भारत और पाकिस्तान की महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले तनाव और गुस्से का स्तर 12% ज्यादा है, यानी दुनिया के मुकाबले दो गुना। भारत में जहां पुरुषों में गुस्से का स्तर 27.8% है, वहीं महिलाओं में गुस्से का स्तर 40.6% पाया गया है। सर्वे के मुताबिक कोरोना महामारी के 2 साल में गुस्सा और ज्यादा बढ़ा है। और एमपी में अवैध हथियार बेचने का एक मामला सामने आया है। बोकारो में बारात में जलाए जा रहे पटाखों से कई दुकानें राख हो गई। पटाखे की चिंगारी एक दुकान की छत पर गिरी और जब तक कोई आग को बुझाने पहुंच पाता तब तक 8 दुकानें जल चुकी थी। यूपी के सीतापुर में युवक के स्टंट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। यातायात नियमों को ताक पर रखकर युवक ऑटो की छत पर बैठा हुआ है। वीडियो के वायरल होने के बावजूद फिलहाल पुलिस प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कानपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने लोडर को टक्कर मार दी। इस हादसे में लोडर सवार 3 भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर आगे की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लड़कियों से छेड़खानी करने वालों को चेतावनी दी है। उन्होंने असामाजिक तत्वों को खुली चेतावनी देते हुए ये कहा कि बेटियों को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। कानपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक चौराहे पर बहन बेटियों को छेड़ने वालों और अपराध को अंजाम देने वालों को अगले चौराहे पर पहुंचते पहुंचते पुलिस ढेर कर देगी। ये बड़ी चेतावनी देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अब अपराधी दुस्साहस नहीं कर पाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने ये बात साफ कर दी कि हर चौराहे पर जो कैमरे लगे हैं वो उन्हें ट्रैक कर रहे हैं और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस वाले ढेर कर देंगे अपराधियों को। समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते इतने पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। 20 नवंबर को शुरू हुआ फीफा वर्ल्ड कप अब रोमांचक दौर में पहुंच गया। आज से क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू हो रहे हैं। पहला क्वार्टर फाइनल पिछले वर्ल्ड कप की रनर अप टीम क्रोएशिया और 5 बार की चैंपियन ब्राजील के बीच खेला जाएगा, जिसमें नेमार और रिचर्डसन की जोड़ी का सामना अनुभवी लुका माड्रिड से होगा। दूसरा क्वार्टर फाइनल रात 12:30 बजे नेदरलैंड्स और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे लियोनेल मेसी के लिए करो या मरो का होने वाला है। तीसरा क्वार्टर फाइनल कल रात क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पोर्चुगल और पहली बार नॉकआउट में पहुंची मोरक्को की टीम के बीच है। चौथे क्वार्टर फाइनल में यूरोप की दो दिग्गज टीमें आमने सामने होंगी, इंग्लैंड और फ्रांस।
फ्रांस के पास एम्बापे के रूप में तुर्क का इक्का है, तो इंग्लैंड के पास हैरी केन और साका की खतरनाक जोड़ी है। 14 और 15 दिसंबर को सेमीफाइनल मुकाबले होंगे और 18 दिसंबर को दुनिया को नया फुटबॉल चैंपियन मिलेगा।